तो बस आपको बटन दबाना है और उसके बाद गर्मा गर्म डोसा खाते खिलाते जाना है। इसके पहले हमने आपको डोसा बनाने की थोड़ी बड़ी मशीन दिखाई थी, जिसमें कि सिर्फ बैटर, ऑयल और पानी वगैरह डाल देना था। उसके बाद यह मशीन एक लाइन से डोसा निकालती जाती थी। इस मशीन को आपने बहुत पसंद किया और इस मशीन वीडियो में 12 मिलियन से प्लस व्यूज आ चुके हैं। अभी बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर इस मशीन का फुल रिव्यू वीडियो बनाइए, तो बस कुछ दिन का वेट करिएगा, बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। यह मशीन थोड़े बड़े साइज की है जो कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए बेस्ट है। अभी आइए हम आपको आपके घर और ऑफिस के लिए मशीन दिखाते हैं, जिससे कि आप कहीं भी रहें अपने साथ अपनों के लिए भी डोसा तैयार कर पाएँ। तो देखिए, डोसा तैयार करने के लिए सबसे पहले बैटर तैयार किया जाता है, क्योंकि बिना बैटर के डोसा कैसे बनेगा। तो आइए फटाफट इसे रेडी कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं ऐसी मशीन्स लेकर आया हूँ जो कि घंटों के काम को सेकंडों में करती हैं, और वो है अल्ट्रा फास्ट वेट ग्राइंडर। इसमें सबसे इंजीनियस थिंग पता है क्या है? इसके स्टोन रोलर, क्योंकि ग्राइंड करने के लिए इसमें कोई ब्लेड नहीं बल्कि स्टोन्स लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ड्रम के अंदर भी इसके नीचे के प्लेट स्टोन की लगी हुई है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्राइंड होने वाला है। सबसे पहले आप इन्हें क्लीन करके इसे फिट कर दीजिए। अब डोसा बैटर तैयार करने के लिए चावल और उड़द दाल को भिगोकर ग्राइंड करते हैं। पहले के समय में आपको याद होगा कि हमारी दादी लोग इसे सिलौटी और लोढ़ा से पीसती थी, और इन पत्थरों से पीस कर बनाए गए डोसा का तो भाई साहब कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन हाथों से पीसने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। इसी काम को ये वेट ग्राइंडर बस चुटकियों में कर देती है। चावल और दाल डालने से पहले थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जिससे कि बैटर की कंसिस्टेंसी बढ़िया रहती है। आप एक ही बार में अधिक क्वांटिटी ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 लीटर का ड्रम दिया गया है जो कि 304 फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। अभी पावर कॉर्ड कनेक्ट कर दीजिए और इसमें 15 मिनट का टाइमर सेट करना है, क्योंकि 15 मिनट में एकदम प्रॉपर बैटर रेडी हो जाएगा। और बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यह मशीन लोड बैलेंस कर रही है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सेंसर दिए गए हैं जो कि प्रॉपर बैलेंस कर लेती है। दाल और चावल ग्राइंड होना स्टार्ट हो गया है। इसमें कोई नॉर्मल टाइमर नहीं बल्कि इंटेलिजेंट टाइमर लगा हुआ है। आप इसमें अप एंड डाउन बटन के यूज़ करके इसके टाइम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और बाई चांस यदि कभी लाइट चली भी जाती है तो यह मशीन ऑटोमेटिकली ही बचे हुए टाइम में लाइट आने के बाद ग्राइंड कर देगी। इसमें ड्रम और कॉनिकल स्टोन्स दोनों ही राउंड करते हैं, जिससे कि कम समय में अच्छा बैटर तैयार हो जाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह काम मिक्सर से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिक्सर में जो ब्लेड्स लगे होते हैं वह दाल को छोटे छोटे पीस में कट करते हैं, लेकिन इस ग्राइंडर में 2 कॉनिकल स्टोन्स लगे हुए हैं जो कि दाल को स्लोली स्लोली ग्राइंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्वाद आपको दादी माँ के हाथों से मिलता था, सेम वही स्वाद अब आपको इस मशीन से भी मिल पाएगा। यदि आप इस मशीन को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने 2 वेट ग्राइंडर का लिंक दे दिया है। आप इनमें से किसी भी मशीन को अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इनका रेट बहुत ही कम है। 15 मिनट के बाद यह मशीन ऑटोमेटिकली ही स्टॉप हो गई है, और अभी आप देख सकते हैं कि चावल और दाल एकदम से ग्राइंड हो चुका है। इसका टेक्स्चर भी काफ़ी बेहतर है। और ग्राइंड करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखें कि इसे तुरंत ही क्लीन कर लीजिए, क्योंकि यदि ये सूख गया तो फिर क्लीन करने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के लिए रख देंगे। फर्मेंटेशन करने से डोसा का स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। तो उसके पहले डोसा के लिए आलू मसाला तैयार कर लेते हैं। लेकिन मसाला तैयार करने में हर किसी को सबसे बड़ी समस्या आलू छीलने में ही होती है, लेकिन हमारे रहते हुए आपको समस्या बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसी काम को आसान करने के लिए यह कुक्स पोटैटो पीलर बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसके द्वारा आलू छीलना आपके बाएँ हाथ का काम है। इसमें सिर्फ पानी डालकर आलू रख दीजिए, उसके बाद यह मशीन ऑन करते ही एक लाइन से छिलके निकालने के साथ साथ इसकी वॉशिंग भी कर देती है। एक्चुअली मशीन के अंदर राउंड शेप में शार्पी प्लेट लगा होता है, जो कि आलू छीलने के लिए बहुत ही फास्ट वर्क करता है। आप देख सकते हैं कि कितने तेजी से इन आलू की पीलिंग हो रही है, और ये देखिए कि छिले हुए आलू एकदम से रेडी हो चुके हैं। यह मशीन सिर्फ आलू ही नहीं, प्याज और लहसुन जैसे कई सब्जियां छील सकती है। अब इस छिले हुए आलू में मटर, मिर्च और मसाला वगैरह मिलाकर आलू मसाला तैयार करते हैं। यह सभी चीज़ रेडी होने के बाद भैया बात आती है डोसा बनाने की। तो डोसा बनाने के लिए यह डोसा मेकर यानी कि डोसा प्रिंटर बस मिनटों में ही आपके लिए डोसा निकालती जाएगी। आप देख सकते हैं कि यह मशीन काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की है। इसमें 700 मिलीलीटर का एक बैटर कैट्रिज दिया गया है जो कि बैटर फिल करने के लिए है। तो सबसे पहले आइए इसमें बैटर फिल करते हैं, और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, जिससे कि एक ही बार में पूरे फैमिली के लिए डोसा तैयार हो जाएगा।
आपको बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा। आप इसमें पतले या फिर मोटे कंसिस्टेंसी के बैटर को फिल कर सकते हैं। ये आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा डोसा खाना पसंद करते हैं। बैटर फिल करने के बाद आप यहाँ साइड से इसे ऑन कर दीजिए और इसमें आप बैटर के क्रिस्पीनेस और इसके थिकनेस को भी सेट कर सकते हैं कि आप कितना मोटा या पतला डोसा खाना चाहते हैं। यदि आप पतला डोसा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके थिकनेस को कम कर दीजिए। और यह सब कुछ सेट करने के बाद आप देखिए कि मशीन ऑन कर रहे हैं और डोसा बनने की प्रोसेस भाई साहब स्टार्ट हो गई है। कुछ देर तक यह प्री हीट होता है और इसमें आप थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा दीजिए। अब देखिए कि बैटर ऑटोमेटिकली ही इसके रोलर में आ रहा है और यहाँ देखिए कि प्रॉपर लेयर बन चुकी है। आप इसके थिकनेस को भी सेट कर पाएंगे। ये अभी देखिए कि हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और ये अच्छी तरीके से पकेगा क्योंकि इसके अंदर हीटर लगा हुआ है। यदि आप इसमें बटर लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसमें बटर लगा सकते हैं और यदि ऑयल वगैरह स्प्रे करना चाहते हैं तो ऊपर से ही स्प्रे कर दीजिए। आप जो कुछ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा सेटअप दिया गया है। आप देख सकते हैं कि डोसा अच्छे तरीके से पक रहा है और इसमें से भाप भी ऊपर आ रही है। आप देख रहे हैं कि डोसा एकदम से पक चुका है और ऑटोमेटिकली ही बाहर आ गया है। इसका कलर देखिए कि बिल्कुल नॉर्मल डोसा की तरह है, जिस तरह हाथों से बनाया जाता है। आप इसके थिकनेस को भी अधिक कर पाएंगे और इसका क्रिस्पीनेस देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी डोसा तैयार हुआ है। और यहाँ ऑटोमेटिकली ही दूसरा डोसा बनना स्टार्ट भी हो गया है और इस तरह से लेयर इस रोलर में आती है। यदि आप थिक और सॉफ्ट डोसा खाना पसंद करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाएंगे। इसमें आपको बार बार प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार हीट करना है। उसके बाद यह मशीन एक लाइन से डोसा निकालती जाएगी। इसके बीच में आप आलू मसाला वगैरह डाल सकते हैं। और यहाँ देखिए, हमारा दूसरा डोसा भी एकदम से रेडी हो गया है। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है तो इसका स्वाद भी काफ़ी बेहतरीन रहता है। इस मशीन के द्वारा सिर्फ एक मिनट में डोसा तैयार हो जाता है। यदि आप एक बार बैटर फिल कर देंगे तो अपने पूरे फैमिली के लिए डोसा तैयार कर पाएंगे। तो फिर अब देरी किस चीज़ की है, बस सांभर और चटनी लीजिए और फटाफट खाना शुरू कर दीजिए। तो इस डोसा मेकर, फिट ग्राइंडर और पोटैटो पिलर में सबसे बेहतरीन चीज़ आपको क्या लगी? ऐसी ही और इंजीनियस मशीन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में चाय, पिज्ज़ा, डोसा, मोमोज, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, जलेबी और यहाँ तक कि सभी फूड आइटम्स बनाने की ऑटोमेटिक मशीन से अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार इन सभी मशीन्स को देखिए, क्योंकि यह मशीन्स घंटों के काम को मिनटों में करके आपके बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ देती हैं। चलिए मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार मशीन वीडियो में।